अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्किन सीरीज की इस क्लास फर्स्ट में। आज जो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि कितने टाइप्स की स्किन होती है और किस स्किन पे आप कैसे केयर करें। देखिए, ये जो पार्लर की सीरीज मैंने जो स्टार्ट करी है, इसका मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, यू नो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर घर बैठे फ्री में पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ, जहाँ आपको 50,000 1,00,000 रुपए खर्च करके यही सारी चीज़ें सिखाएंगे, वहाँ मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो कुछ भी मुझे आता है तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ, जिससे कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें जो किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की जो, इससे पहले दोस्तों मैं कई क्लासेस लेके आ चुकी हूँ, ये स्किन का चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम जानेंगे कि स्किन टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फेशियल के स्टॉक्स बताऊंगी, उसके बाद मतलब ये आपकी क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लीच करना बताऊंगी कि किस तरीके से ब्लीच करते हैं, सेंसिटिव स्किन पर कैसे करते हैं, ऑयली स्किन पर कौन सा फेशियल देते हैं, ड्राई स्किन पर कौन सा फेशियल देते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को होम रेमेडीज भी यहाँ पर बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं तो मैं आप लोगों को जल्दी से ये चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को होम रेमेडीज भी पता होनी चाहिए। जो मैं होम रेमेडीज वाले वीडियोस लेकर के आती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों को देखने के लिए। आप उसके भी नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा और आपसे पूछता है अगर कि हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, हमारे ब्लैकहेड्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, हम अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं, तो आपको ये सब उनको बताना, होम रेमेडीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पार्लर का कोर्स किया था तो मुझे भी होम रेमेडीज पूरी सिखाई गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को भी यहाँ पर सिखा रही हूँ। दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है। आप अगर सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो उसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो आप लोग बिना झिझक मेरी क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, और लाइक भी कर दिया करो, और प्लीज कमेंट भी कर दिया करो। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो चलिए आज हम समझेंगे कि स्किन टाइप्स क्या होती हैं। गाइस, नोट कर लो कहीं, मैं आप लोगों को कई बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बात करती हूँ कि नोट डाउन करो, एक डायरी पेन उठाओ। देखो, मैं हमेशा, मेरे पास जब भी मैं वीडियो बनाऊँ या मैं पार्लर का काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मैं हमेशा डायरी, एक डायरी और एक पेन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये हैबिट आप लोग भी लेकर आओ अपनी लाइफ में, बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन की। दोस्तों, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि नॉर्मल स्किन ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और आप देखेंगे कि नॉर्मल स्किन वालों की ना तो पिंपल की प्रॉब्लम होती है, ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसी, मतलब जो एक होता है ना, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती है नॉर्मल स्किन वालों को, और उनकी ना स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। और हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि ऑफकोर्स जब एज बढ़ती है तो रिंकल्स, फाइन लाइन्स आने लगते हैं, वो तो हर किसी के ही आती है जब एज होती है। लेकिन जब उनकी, मतलब जब वो यंग एज में होते हैं, तो एज सच कोई उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा ना, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, अगर हाँ, अगर आप वो स्किन केयर नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपका जो टी जोन है उसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो सकते हैं, क्योंकि टी जोन में तो ज़्यादातर सीबम जो होता है नेचुरली, जो सीबम होता है वो टी जोन में रहता है, तो मे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट नॉर्मल स्किन वालों को बहुत ज़्यादा कोई, ना तो बहुत ज़्यादा उनकी ड्राई लगेगी विंटर्स में, ना तो उनकी खिंची खिंची लगेगी बहुत ज़्यादा स्किन, ना ही ऑयली बहुत ज़्यादा होगी जब वो सो के उठेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा ऑयल जनरेट नहीं होता है उनके फेस पे, तो उनको हम नॉर्मल स्किन टाइप में लेते हैं। और नॉर्मल स्किन आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्किन वालों को भी CTM रूल ज़रूर करते रहना चाहिए। CTM का मतलब होता है क्लिंसिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसका भी एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं CTM को लेके, तो बहुत जल्दी लेके आऊंगी मैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राई स्किन वालों की। अब ड्राई स्किन बहुत ही आसान है पहचानना, अगर आपके क्लाइंट की स्किन या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची रहती है। विंटर्स में तो देखिए थोड़ा सा रहता ही है, खिंची खिंची रहती है स्किन, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन आपकी बहुत ज़्यादा खिंची रहती है विंटर्स में, और विंटर्स की अगर ना भी बात करें, तो आप ना ड्राई स्किन को ऐसे पहचान सकते हैं, आप अपना फेस वॉश करिए, और फेस वॉश के बहुत देर तक आप बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी अप्लाई मत करो, आप फेस को ऐसे ही छोड़ दीजिए,
और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, चाहे 12 मंथ्स में मतलब कोई सा भी वेदर हो और बहुत खिंच रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ड्राई स्किन है। और ड्राई स्किन वालों के ना रिंकल्स आंखों के पास बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से उनके अंदर जो यू नो सीबम जो होता है वो प्रोड्यूस बहुत कम होता है, मॉइस्चर नहीं होता है उनके फेस पर या स्किन पर, तो बहुत जल्दी एज दिखने लगती है, जितनी मतलब अर्ली एज दिखने लगती है, जितनी उनकी एज नहीं होती पर उसके बाद भी उनकी एज दिखने लगती है। तो ऐसे में आप लोगों को जिनकी ड्राई स्किन है स्पेशली, आप लोग अपने फेस की केयर करिए, CTM रूल को फॉलो करिए। जी हाँ, CTM रूल को जब भी कैसी भी स्किन होगी आप हमेशा देखेंगे, मैं बोलूंगी कि CTM रूल को फॉलो करो, और कम से कम आपको यू नो ड्राई स्किन वालों को एक टाइम तो CTM रूल जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा आप विंटर्स में यू नो इस तरीके का सीरम यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि कौन सा सीरम अप्लाई करें, आप बस अपनी स्किन टाइप का कोई भी आप अपना किसी भी कंपनी का उठा लो और अपनी स्किन टाइप के अपने मॉइस्चराइजर जो भी आप क्रीम यूज करते हैं उसमें 13 ड्रॉप्स आप सीरम के अप्लाई करो, उसके बाद फेस पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत जल्दी जो जो झाइयां की जो प्रॉब्लम आ रही है या आपको यू नो बहुत ज्यादा झुर्रियों की जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत जल्दी यू नो रिड्यूस होने लगेगी अगर आप सीरम अप्लाई करना आज से स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑयली स्किन की। ऑयली स्किन वालों को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है। जी हाँ, कई बार क्लाइंट भी आप लोगों को बता देता है कि हमारी ऑयली स्किन है, क्योंकि ऑयली स्किन को पहचानना बहुत 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 ईजी होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनके पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादातर ऑयली स्किन वालों को होती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और उसके अलावा उनका ना फेस ऐसा लगेगा कि ग्लो तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो ग्लो नहीं होता, वो सीबम होता है, जो हमारा जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है ना वो होता है, और उसी सीबम की वजह से यू नो पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और इसीलिए ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ऑयली स्किन वालों को, पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन वालों को। तो ऐसे जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और ऑयली स्किन वालों को तो CTM रूल 3 बार करना चाहिए दिन में। यस, एक दिन में आपको 3 बार करना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरी भी ऑयली स्किन है और मैं दिन में सच में 3 बार CTM रूल को फॉलो करती हूँ, और अगर ना करूँ ना तो मेरी स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे CTM रूल करना ही पड़ता है। इसके अलावा आप ना फेस वॉश करते रहा करो, क्योंकि ज़्यादा ऑयल अगर आपके जनरेट होगा तो अगेन पिंपल्स हो जाएंगे। आप बाहर से आओ, जल्दी से अपना फेस वॉश कर लिया करो। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। आप जब सो के उठें तो आप सीधे अपने आप को मिरर में देखना और आप देखोगे कि आपके यहाँ यहाँ यानी कि नोज के इधर इधर बहुत ज़्यादा ऑयल जनरेट हुआ होगा और पूरा टी जोन आपका ऑयली होगा, नोज पे बहुत ज़्यादा ऑयल होगा, तो आपको आपको पता लग जाएगा कि आपका पूरा मतलब ज़्यादातर क्या होता है ऑयली स्किन वालों के पूरे फेस पे ही ऑयल जनरेट हो जाता है, तो पूरा यू नो ऑयली ऑयली दिखता है आपका फेस, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑयली स्किन है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब ड्राई प्लस ऑयली, दोनों ही स्किन टाइप होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि टी जोन जो होता है ये, इसको हम टी जोन बोलते हैं, यहाँ से फोर हेड से लेके पूरा ये, इसको टी जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टी जैसा बनता है। तो टी जोन कॉम्बिनेशन स्किन वालों का ऑल टाइम ऑयली रहता है और ये जो चीक्स होते हैं ये वाले ये ड्राई रहते हैं। तो आप जब सो के उठेंगे तो अगर आपका ये ना टी जोन ऑयली ऑयली हो रहा है और ये जो चीक्स हैं गाल हैं वो आपके खिंचे खिंचे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले कैसे केयर करेंगे या आप कैसे बताएंगे पार्लर में? देखिए, जब अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले का फेशियल कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ 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 पे जैसे उनकी ड्राई है तो आपको यहाँ यहाँ पे क्या करना है, सीरम ज़्यादा अप्लाई करना है और टी जोन पे सीरम अप्लाई नहीं करना है। बड़े अच्छे पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जब भी आप क्लाइंट से डील करें तो आप कॉम्बिनेशन स्किन ऐसे समझ सकते हैं और आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पे खिंचा खिंचा लगता है क्या, तो और यहाँ पे ऑयली है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी ऑफकोर्स CTM रूल को फॉलो करते रहना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे और सेंसिटिव स्किन की तरफ।
सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन जैसे कि नाम ही पता है कि उनकी बहुत ही ज्यादा रेडिश होती है स्किन। उसके अलावा अगर वो जरा सा भी धूप में निकलते हैं तो उनके यू नो पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर अगर आपने थ्रेडिंग करी क्लाइंट की और यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जैसे ही आपने थ्रेडिंग करने के बाद पूरे पूरे रेड रेड हो जाता है तो उनकी सेंसिटिव स्किन होती है। उसके अलावा अगर आपने यू नो अपर लिप किया आपके क्लाइंट का, या फिर यहाँ पे कई बार लोग वैक्स कराते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया कि इनकी सेंसिटिव स्किन है और आपने खींच दिया तो कई बार स्किन भी साथ में खींच जाती है। जी हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोरोली बता रही हूँ कि स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है, फिर उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। अगर आपने यू नो हर किसी के ऊपर इसी तरीके से काम कर दिया तो फिर तो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा 100% काम अच्छा ही होगा। इसलिए स्किन टाइप को समझना इसलिए मैंने बोल रही थी कि जरूरी है। सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं उनको अगेन बहुत ही ज्यादा यू नो रेडनेस की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट कई बार जब हम स्क्रब कर रहे होते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है और हमने यू नो स्क्रब किया और स्क्रब में हमने बहुत ज्यादा तेज हाथ चला दिया तो उनके पूरे फेस पर यू नो रैशेज हो जाते हैं। ब्लीच किया और ब्लीच हमने नहीं ध्यान दिया कि हमारे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव थी और हमने ब्लीच कर दिया उस हिसाब से जैसे हम सबके करते हैं और देखा कि ब्लीच के बाद उनके पूरे में रेड रेड दाने हो गए, तो सोचो आपका क्लाइंट कितना मतलब नाराज हो जाएगा आपके आपसे और कभी भी आपके पास नहीं आएगा फॉर श्योर। तो इसीलिए सेंसिटिव स्किन वालों पे हमेशा काम देख के करना पड़ता है, प्रोडक्ट हमेशा यू नो देख कर यूज करने पड़ते हैं कि भाई इनकी सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले ही प्रोडक्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। और अगर आपने ब्लीच यूज करी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, खैर कि सेंसिटिव स्किन पे आप कैसे ब्लीच कर सकते हैं, ये इन्हीं सब सीरीज में आएगा, इसीलिए ध्यान से इन सीरीज को देखते रहना। दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया है कि कितने प्रकार की स्किन्स होती हैं और किस तरीके से आप जान सकते हैं और कैसे आप केयर करें। दोस्तों चलते चलते बस मैं यही कहूंगी कि प्लीज मेरी इन कोशिशों को लाइक जरूर कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा हैंडल है अनामिका जॉय सिंह के नाम से, उस पर जरूर आप जाएं फॉलो करें, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको वहां पर। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।